राम कथा की ही तरह अब आप जनसंघ नेता दीनदयाल उपाध्याय की भी कथा सुन सकते हैं। आरएसएस से जुड़े संगठन दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान ने दिल्ली में कथा का आयोजन किया। ये संगठन अब दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और दर्शन को कथा के जरिए से देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाएगा। अब राम कथा की तरह सुनिए जनसंघ नेता दीनदयाल उपाध्याय की कथा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मंगलवार को दिल्ली में एक आयोजन हुआ। इस आयोजन में बीजेपी के दिग्गज नेताओं से लेकर संघ के बड़े पदाधिकारी भी पहुंचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को और उनके संघर्षों को लेकर यहां पर एक कथा का आयोजन भी हुआ। कथा बिल्कुल राम कथा की तरह है, जिसमें कई श्लोक से लेकर चौपाई तक है। कथा को रोचक बनाने के लिए बैकग्राउंड में दीनदयाल उपाध्याय के विचार, उनके लेख का वीडियो भी चलता रहा। दिल्ली में इस कथा का आयोजन आरएसएस से जुड़े संगठन दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान ने किया। अब इस कथा का आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में करने की तैयारी है। हमें पुण्यतिथि मनानी ही थी और क्योंकि उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, इसी निमित्त ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। अब देश भर में हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर जाएंगे और दीनदयाल जी के साथ साथ में नाना जी की कथा आयोजित करने का भी हम लोगों का एक विचार है। इस कथा का मकसद साफ है, दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को जन जन तक पहुंचाना। संघ भी यही चाहता है कि दीनदयाल की सोच और उनका मार्गदर्शन जनता तक पहुंचे, लिहाजा कथा का ये जरिया सही दिखा। एक बार कथा के फॉर्मेट में शुरू हो गया है तो सब जगह पे जो लोग दीनदयाल जी को जानते थे या जिन्होंने दीनदयाल जी को पढ़ा है वह ये कथा कहेंगे। हमने इस कथा को उनके जीवन तक सीमित नहीं किया है। कथा के दौरान बीजेपी और संघ के बड़े नेता हॉल में मौजूद थे। सभी ने बेहद तल्लीनता के साथ दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को सुना। इसके साथ ही दिल्ली में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी एक किताब का भी विमोचन किया गया। किताब का नाम युवाओं के लिए दीनदयाल है। इस विमोचन में बीजेपी नेता रामलाल और प्रभात झा पहुंचे थे। संघ के इस दीनदयाल कथा आयोजन से बीजेपी को राजनीतिक फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव है और दीनदयाल उपाध्याय की कथा की धार यूपी में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। आनंद प्रकाश पांडे के साथ देवेंद्र पलाशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। दीनदयाल जी होते तो 25 सितंबर को 100 वर्ष के होते।